Ragini? और बिनती है माता रानी, हमारे पांव का जो दूसरा कांटा है ना, उसको भी जल्द से जल्द जो है वो निकाल बाहर कीजिए। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है भगवान को घूस देकर आपके सारे पाप धुल जाएंगे? ये वर वधू एक दूसरे को वर माला पहनाएगी, ये लीजिए। नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे हम। देख, ऐसे नहीं कर सकता जबरदस्ती। छोड़, हमारा हाथ खोल पर बताएंगे तुझे। मंगलम भगवान। वर वधू फेरी के लिए खड़े हो जाए। अब फेरू के लिए वर आगे होगा। चुप करो, शर्म आ रही तुझे? तेरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। तेरे संपूर्ण हो गए, अब तो बस सिंधुदान बच्चा। सिंधुदान बच्चा, ये लीजिए। हम गंधक द्वारा हम शादी शुदा है। ये बहुत बड़ा पाप है। बोलना पंडित, बोलना। ये बहुत बड़ा पाप है। नहीं, नहीं, मत करके। हम शादी शुदा है। हम हमारी शादी हो चुकी है। ये पाप है। नहीं, ये पाप है। नहीं। अच्छा, जयराम जी, जयराम जी। अब तो मरने के लिए
तैयार हो जाओ। मैं नहीं आ रहा। अब पता लगा कि जब बंदूक की नोक पर रिश्ता जोड़ा जाता है तो कैसा लगता है। क्या हुआ, तुम्हें तो यही सब अच्छा लगता है ना? हाँ, मेरे साथ भी तुमने यही किया था, जोर जबरदस्ती शादी, वो भी गन पॉइंट पर। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। किसने हक दिया तुम्हें ये करने को? मेरे ना चाहते हुए भी तुम मुझसे शादी करके मेरे घर पे आई और मेरे ही घर वालों को अपने दम और जबरदस्ती से तुमने परेशान किया। किसने दिया तुम्हें हक? मिस्टर जी, हम जानते हैं कि हमने आपके साथ ना गलत किया है। मिस्टर जी, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं किए। बचपन से ही हमने यही देखा है और यही सीखा है बाबूजी को देखकर कि हक जो है वो लड़कर हासिल किया जाता है, और यही सोच हमारी आदत से बन गई। हम माफी मांगना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था। हम किस मुंह से माफी मांगते आपसे? किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए साजिश रचो? मिस्टर जी, क्योंकि आप इसके हकदार थे। अगर आप उस लायक नहीं होते तो और कोई भी लायक नहीं है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं मिस्टर जी, इसलिए हम अपने तरीके से, लेकिन हम समझ गए हैं कि हमारा तरीका गलत है। और किसने ये हक दिया तुम्हें कि तुम मेरे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दो? मुझे गोली लगने के बाद तुमने मां से यह वादा कर लिया कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे, लेकिन क्या तुमने एक बार भी अपने मिस्टर जी से ये पूछा कि वो क्या चाहते हैं? तुम ये सबसे कहती हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कैसा प्यार है रागिनी? रात भर मैं यही सोचता रहा कि तुम्हारा मां से किया गया वो वादा कीमती था या अग्नि को साक्षी मान के ली गई वो कसम। रागिनी, याददाश्त मेरी गई थी तो तुमने वो अग्नि फेरे पे लिए हुए वादे वो कैसे भुला दिए? तुमने कैसे साथ छोड़ दिया मेरा? बोलो रागिनी। रागिनी, अब तुम्हें अपने इस किए की सजा जरूर मिलेगी। अब जो भी सजा देंगे वो मंजूर है। पहले वादा कर। बिसु, बेटा तुमको बाबूजी बुला रहे हैं, जाओ। ठीक है माँ। माफी चाहते हैं, तुम्हारा ये नयन मटक्का में हम बिघ्न डाल दिया उसके लिए, लेकिन कहा है कि हमको ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। आपको जो कहना है आप साफ साफ कहिए। कहा है कि शादी के बाद पति जो है घर के बाहर काम करता है। रहा तुम्हारा बात, हमने तुमको मुफ्त में खिलाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने शादी में एक फूटी कौड़ी तो दिया नहीं है। तो कहने लगे कि अरे समधन जी, हमारे तो सृष्टि कहना ये पढ़ाई लिखाई धन दौलत है,
बहुरानी तुम ही बताओ, तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई का धन दौलत है उसका उपयोग हम करें तो कैसे? ए पुआ, अब देखो तुम्हारे सवाल का जवाब कानून के किताब में लिखल है। कोनो आदमी को अपना खाने आ रहने का खर्चा अपने उठाना चाहिए। सुन ले, जो किताब में बात लिखा है ना, उसको अमल में भी रखो। चलो दुलरिया, ये किताब आपने उल्टी पकड़ी हुई है। हाँ, तो किताबें ना उल्टा पकड़े हैं, बाकी ज्ञान जो है ना हमको तुमसे सीधा है, समझी कि नहीं? वादा करो कि इस जिंदगी में या आने वाले पूरे 7 जन्मों तक तुम अपने इस मिस्टर जी का हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। वादा करो मुझे, और अगर छोड़ा ना तो ये बंदूक देख रही हूं ना, इसी से उड़ा दूंगा तुमको। बंदूक कहां से मिली आपको? नकली डरपोक कहेगी। मिस्टर जी, हमें लगा कि आपको हमारा जरूरत नहीं है, इसलिए हम डर गए थे। हमें माफ कर दीजिए मिस्टर जी। रागिनी सिंह, आई लव यू। आप क्या बोले अभी? क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? ओ, इंग्लिश में था ना, तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं। क्या है ना रागिनी सिंह, हम ना तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, और तुम ना हमें टैलेंट टॉप लगती हो। और जाओ जाके कह दो सबसे कि ये अनुराग सिंह अपनी रागिनी सिंह से बहुत 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 प्यार करता है ना। आई लव यू रागिनी। ये वो किसी ने गिफ्ट दिया था मुझे मेरी याददाश्त आने पे, पता नहीं इसमें क्या है, तो मैंने सोचा अपनी बीवी को ही देता हूँ, खुद ही खोल के देख लेगी और अपने मिस्टर जी को भी दिखा देगी क्या है इसमें। जो भी है ना आप ही के लिए। हमारे बाबूजी ने हमें इस विश्वास से दी थी कि ये जब भी हमारे साथ रहेगी ना तो हमारा समय कभी बुरा नहीं होगा, और जब आप हमारे साथ हैं हमारा समय कभी बुरा नहीं हो सकता, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब हमें। हमारी तो डायरेक्ट शादी हुई थी ना वो बंदूक की नोक पर, तो इसीलिए फिर एंगेजमेंट तो हुई नहीं थी, तो शुभ काम में देरी कैसी। चलो अपने घर चलते हैं। लेकिन हम जो सासू मियां से वादा किए हैं वो हम नहीं तोड़ सकते, कहेंगे हम उनसे? दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बेटे को दुखी देखना चाहती हो। अरे मुझे गोली लगी थी ना, तो वो शायद टेंशन में आ गई होंगी, इसलिए तुमसे ये सब वादा ले लिया होगा। डोंट वरी, मैं माँ से बात करूंगा
और इस बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। अब कैसे समझाएं हम मिस्टर जी को कि सासू मैया ने हमसे ये वादा किसी डर की वजह से नहीं बल्कि पूरी समझदारी के साथ लिया था, और अगर अब हम उनके सामने जाएंगे तो वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हाँ, एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया। ये तो हम उतार दिया था ना, इसलिए वापस ले आए। आज के बाद अगर तुमने इसको उतारा ना लग रही हो रागिनी अनुराग से। हमको तो यह समझ में नहीं आता है कि यहां मुफ्त में कैसे लोग रह सकते हैं। सासु, ये आपको देना था। देखेंगी कादी हो, हर बात नोटिस पकड़ाते रहती हो, अब का है? में तो पैसा है जी, ये आज का किराया और खाने पीने का खर्चा है। इतना जल्दी उस बात पर जो है वो अमल कर दी, ठीक है। बाकी वो खाने पीने का जो है ना, वो पैसा देने का जरूरत नहीं है। कहे कि हम तो ऐसा ही जो है वो गरीबों को दान पुण्य में खिला देते हैं, पुण्य बढ़ता है ना। बहुत अच्छा काम करती हैं आप। हेकड़ी जो है ना, वही कई दिन का है। अरे रोज रोज कहाँ से ला के देगी पैसा है? दो दिन में ना इसका सारा नशा जो है हिरन हो जाएगा। छाता एक के दो दिन का है तो हम ही रख लेते हैं। अरे रख लो, खुश रहो, हमको तो उसका पैसा छूना भी नहीं है। मत छूना, हम तो बस इसको सबक सिखाना चाहते हैं। अब चलिए यहाँ से। बिखरे हुए लम्हों को समेट कर तुझ में छुप जाना चाहता हूँ। जाना तो है उस सालिम दुनिया की ओर, लेकिन कुछ देर और रुक जाना चाहता हूं। मिस्टर जी, हम दोनों के घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। चलो अभी उन्हें फोन करके बोल देता हूँ कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अनुराग, अरे ओ अनुराग बेटा, अरे कहाँ चला गया है? हमको लगता है अनुराग बाबू का गुसल खाना में होंगे। अब कहीं तुम्हारे हाथ में लिफाफा में का है? कहा है कि भोर ही से लिफाफा लिफाफा हो रहा है। हमको लगता है मैं जरूर पैसा होगा, आज हमारा दिन बन गया। हमको लगता है सबर करो दुलरिया, बताएंगे, अभी पता चल जाएगा तुमको। सच कह रहे सृष्टि जी, हमें सूरज अनुराग भी घर में नहीं दिख रहे। दुलरिया, तुम अब है ना हमसे पूछ रही थी लिफाफा में कहा है कहा है? हम बताते हैं, इसमें जो है वो टिकट है, हवाई जहाज का टिकट। कहा कि हम अनुराग को लंदन भेज रहे हैं ना, क्योंकि उसका भविष्य जो है वो वही है। अब हम तो बेफालतू का उसको यहाँ रोक कर रखे थे, बाकी उसका खुशी तो वही है। अनुराग का जहाँ खुशी है उसी में हमारा ना खुशी है। अब बाकी दुलरिया, अनुराग के जाने के बाद ही जो बेफालतू का फोटो है ना, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम करना, फोटो को जो है वो निकाल देना है। और देखो अनुराग कहाँ है, उसका नाश्ता ठंडा हो रहा है ना। हाँ, हम देख के आते हैं। हाँ, अब भाभी का फोटो कहाँ ही निकाल रही हैं? हाँ बिसु बेटा, हम तुम्हारी भाभी को ही निकाल चुके हैं, तो उनका फोटो रख के क्या करेंगे? वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से और भी कोई जाने वाला है। हम देख लिया, अनुराग बाबू हमको नहीं दिखाई दिए कहीं। नहीं दिखाई पड़ रहे का मतलब कहा है? नहीं है।
अरे तुम तो जानती होगी ना अनुराग कहाँ है, बताओगी? वो हमें कुछ भी बता के नहीं गए, इनफैक्ट हम खुद भी उनसे मिलने आए थे। हेलो हेलो अनुराग जी। हाँ सृष्टि, अच्छा मैं आपको तो फोन। अनुराग बेटा कहाँ हो तुम, है कब से कितना परेशान है, हम बता के कहे नहीं जाते हो? वो घर पे थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो बाहर थोड़ी खुली हवा लेने आ गया था। तनी जल्दी आ जाओ, कहा है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। क्या? मेरे लिए खुशखबरी है? वैसे माँ मेरे पास आपके लिए भी कुछ खुशखबरी है।